इतने अंधेरे में और इस धूल आंधी में ये कौन सी देवी प्रकट हुई? ये सब योग माया जी के द्वारा किया जा रहा है। और उसी समय राधा रानी ने अपने हाथों को आगे फैलाया। नंद बाबा ये विचार करके कि मेरा कन्हैया इनके हाथों में सुरक्षित रहेगा, ये कोई एक देवी प्रकट हुई है। नंद बाबा ने कन्हैया को राधा रानी के हाथ में उनके अंक में धारण करा दिया। और उतने में ही राधा जी श्री कृष्ण को लेकर एकांत स्थान पर आई, जहाँ पर श्री कृष्ण किशोर अवस्था में प्रकट हो गए। और जितनी समस्त सखियाँ वह समस्त सखियाँ भी वहाँ पर प्रकट हो गईं। और ये इसलिए किया गया क्योंकि ब्रह्मा जी वहाँ पर उतरे और ब्रह्मा जी ने आकर इसी स्थान पर कृष्ण का राधा जी का यहाँ पर गंधर्व विवाह स्थापित किया। ब्रह्मा जी स्वयं पुरोहित बनकर श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह को यहाँ पर संपन्न किए। कविराज गोस्वामी चैतन्य चेतावनी में कहते हैं, वैकुंठ आद्य ये लीला नाही प्रचार, से लीला करी वो जाते मोर चमत्कार। जिन लीलाओं का वैकुंठ आद्य अर्थात श्री गोलोक में भी एक भाव मात्र है, वे भाव जब इस प्रकट भौम वृंदावन में आकर श्री कृष्ण अपने परिकर के साथ उन लीला को आस्वादन करते हैं, तो वे भाव मात्र एक रूप धारण कर लेता है। इसलिए यहाँ पर परकीय भाव को श्री कृष्ण स्वादन करते हैं। राधा जी श्री कृष्ण की ही स्वयं शक्ति हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभावितावी, स्वयं श्री कृष्ण की हलादनी शक्ति हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद उस परिस्थिति में श्री वृंदावन धाम में जब जीव गोस्वामी पाद हैं तो रूपानुग, परंतु श्री जीव गोस्वामी पाद स्वकीय वाद को स्थापित करते थे। कुछ लोग श्री जीव गोस्वामी जी पर दोष आरोपण करते थे कि ये रूपानुग नहीं है। रूप गोस्वामी जी ने तो परकीय वाद का स्थापन किया, परंतु उनके ही जो सेवक उनके ही शिष्य जीव गोस्वामी जी स्वकीय वाद का यहाँ पर स्थापन किया। और जीव गोस्वामी जी ने संदर्भों में ऐसे ऐसे उदाहरण भी उद्धृत किए, जैसे भ्रमर गीत में कहा, श्री राधा जी जब भ्रमर गीत में कह रही हैं, अपि बट मधुर पूरे आर्य पुत्र आदुनंस्ते स्मृति स पित्र के हम सौम्य बंधस्य गोपम, जहाँ पर आर्य पुत्र कहकर श्री कृष्ण को संबोधन किया, तो आर्य पुत्र अर्थात पति को ही आर्य कहकर संबोधन किया जाता है, ऐसे कुछ श्लोकों को उद्धृत किया। इसलिए उस समय के पंडित जन वृंदावन के निवासी जीव गोस्वामी जी के भाव को नहीं समझ पाए, क्योंकि वे परकीय भाव को किसी घृणित दृष्टि से देखते थे। इसलिए वे नरकगामी ना हो और कृष्ण पर दोष आरोपण ना करें, इसलिए श्री जीव गोस्वामी जी ने समय काल परिस्थिति के अनुसार ही पर वहाँ पर स्वकीय वाद का वहाँ पर थोड़ा सा स्थापित किया, परंतु वास्तव में वे श्री रूप गोस्वामी जी पाद अपने गुरुदेव के ही विचारों में प्रतिष्ठित हैं। वे परकीय भाव को ही आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण इस भौम वृंदावन में आए। इसलिए ऐसे बहुत से श्लोक हैं, उदाहरण है, अभी महाराज बोले समय कम है, इसलिए ऐसे उदाहरण जहाँ पर महाराज जी ने पूछ लिया परकीय वाद का अर्थ क्या ये बतलाओ, बहुत बोलते हैं परकिया 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 का अर्थ क्या, मैंने महाराज जी से पूछा तो उज्जवल नींद मणि में श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने बतलाया, जहाँ पर चार गुण हो वही संबंध को परकियावाद कहा जाता है, दुर्लभता वामता प्रच्छन्न कामता और निवारणता। जहाँ पर ये चार गुण हो, संध्या के समय में महाराज जी विस्तार रूप से इसको समझाएंगे, लेकिन ये चार स्थिति के अनुसार ही यहाँ पर इसको परकियावाद संबोधन किया जाता है। ये नहीं कि किसी पर पुरुष से प्रेम करना ही परकियावाद होता है, उसके भीतर शास्त्र का सिद्धांत है और वह सिद्धांत श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने उज्जवल नींदमणि में स्थापित किया। इसी स्थान पर और भी एक लीला हुई, कौन सी लीला, बोलते मल्ल युद्ध। किसका मल्ल युद्ध हुआ, सखा लोग बड़ी ढींग हाँक रहे हैं, बोलते हमारे कन्हैया क्या बोले, हमारे कन्हैया बड़े बड़े असुरों को मारो। श्रीधाम सुबल आपस में बात कर रहे हो, भैया काव काव के मारे बताओ तो, बोलते किसकी बात बोले, कितने आए सबको मारो, इतना बल है हमारे कन्हैया में। ये सब बात सुनकर सखियां कहने लगी, अच्छा यदि कृष्ण में इतना बल है तो हमारी स्वामिनी राधा जी में भी बहुत बल है, तो क्यों ना फिर यहाँ पर कोई मल्ल युद्ध हो, कोई है
जो कन्हैया के सामने कृष्ण के सामने आकर उनसे मलयुद्ध कर सके, है कोई? सब सखा कहने लगे भैया श्री राम है, क्योंकि यदि कहीं भी ब्रज लीला में कृष्ण की किसी भी सखा के साथ बल के संबंध में तुलना की जाती है तो श्री राम जी को सामने रखा जाता है। बोलते हैं श्री राम को तो हमने कितनी बार पछाड़ दिया। श्री राम बोले भैया हमने भी तुमको कितनी बार पछाड़ दिया, कोई और है मल? उसी समय समस्त सखियां राधा जी को सामने लेकर आ गई। बोलते हैं यहां पर बहुत सी बातें हैं, किसी भी रूप में देखो, गीत में देखो और बल में देखो और नित्य कौशल में राधा जी का प्राधान्य है। रूप में श्री कृष्ण की रूप की बहुत वर्णन किया गया, परंतु राधा जी के रूप को देखकर गंधोन्मादित माधवा, राधा जी के अंग से जो गंध निकलती है उस सुगंधी को सुनकर श्री कृष्ण भी उन्मादित हो जाते हैं, मूर्छित हो गिर पड़ते हैं। राधा जी के चरणों के जो 19 प्रकार के चरण चिन्ह हैं, उन चिन्हों को देखकर श्री कृष्ण भी भाव विभोर हो जाए। इसलिए रूप में श्री राधा जी श्री कृष्ण से भी उन्नत हैं। वेणीकृताम कुंचित सूक्ष्म केशम चूड़ामणि उज्ज्वल पत्र पश्यम वक्र लोक स तिलकम ललाटम ब्रूहु दृशो अंजन रंजताबी श्रुति द्वय कुंडल मंजु चक्री शलाक गंड तले मर कर आयु। ऐसे बड़े सुंदर श्री रूप गोस्वामी जी ने राधा जी के एक एक वेणी का, कुंडल का, उनके चुबुक का, कपोलों का और बिंदु का, नेत्रों का ऐसा सुंदर वर्णन किया जिस रूप को देखकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाएं। जहां पर संगीत की बात आए, श्री कृष्ण बड़े सुंदर मुरली वादन करें और ऐसा सुंदर सुस्वर से संगीत गान करें कि वो संगीत गाते गाते श्री कृष्ण पंचम स्वर में चले जाएं। पंचम स्वर में जब श्री कृष्ण संगीत जब गान करें, समस्त सखा अपने छाती को चौड़ा करके देखो हमारे कन्हैया पंचम स्वर में चले गए। ये देखकर ललिता सखी सामने आ जाएं। बोलते हैं अजय कृष्ण यदि पंचम स्वर में जा सकते हैं तो ललिता सखी साथ में आकर पंचम स्वर से सप्तम स्वर तक, एक बार गुरुदेव इस कथा का वर्णन कर रहे थे, ललिता सखी सप्तम स्वर में जाकर कृष्ण को भी परास्त करते हुए सप्तम स्वर तक चली गई, जिसको देखकर श्री कृष्ण की जो वाणी वहीं पर ही स्तब्धित हो गई, क्योंकि ये पंचम स्वर से सप्तम स्वर बड़ा ऊंचा आलाप है, बड़ा ऊंचा आलाप है। ये देखकर श्री कृष्ण यहाँ पर पराजित हो गए, किन से? ललिता सखी से। जब पराजित हो गए तो राधा जी श्याम सुंदर की सहायता करने के लिए आगे उपस्थित हो गई और ललिता सखी के साथ ही राधा रानी भी उसी स्वर में सप्तम स्वर में पहुंच गई और फिर सप्तम स्वर से ललिता सखी को नीचे धीरे धीरे उतारकर षष्ठ और फिर पंचम स्वर में श्री कृष्ण के साथ बराबरी जब की, तो कृष्ण बराबरी के साथ तो गान तो कर रहे हैं, परंतु आज ललिता सखी और राधा जी का जो सप्तम स्वर में जो संगीत है उसको देखकर कृष्ण भी भाव विभोर हो गए। इसलिए संगीत में भी परास्त हो जाए, रूप में भी परास्त हो जाए और गुणों में भी परास्त हो जाए। और जब आज यहाँ पर मल्ल युद्ध की बात आई तो मल्ल युद्ध में जब कृष्ण बोले है कोई सामने, तो जब राधा जी समस्त सखियां मिलकर जब राधा जी को सामने लेकर आई तो मल्ल युद्ध क्या करें, वेणुकरा निपतितम स्खलितम स्कंदम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो यस्य कटाक्ष शरगट विमुचित तम राधिका चरण रेणु अहम भजामि। जहां पर श्री राधा जी की एक कटाक्ष को देखते ही वेणुकरा निपतितम, उनके हाथ से वेणु गिर जाए, जिनका मोर मुकुट, वे मोर मुकुट गिर जाए और जो पीताम्बर जो गल वस्त्र है वे भी गिर पड़े और उनके साथ साथ श्री कृष्ण भी विमूर्छितस्या मूर्छित होकर गिर पड़े। और जैसे मूर्छित होकर गिर पड़े, राधा जी जब निकट में आई, देखा ये तो क्या युद्ध करें, ये तो पहले से गिरे पड़े हैं, इनसे क्या युद्ध करें। और ये देखकर जितनी राधा जी के पक्ष की गोपियां सब ताली बजाने लगी, कौन कौन है राधा जी के पक्ष की यहाँ पर, बोलो श्री राधा रानी की। अब कृष्ण हो गया, हो गया, हरि बोल। हरे कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण हरि बोल।
वाला नहीं है, अपना बांग्ला बोल देता।